हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विकास कुमार साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उससे रिलेटेड कौन कौन से डिसीज होते हैं, वो पर्टिकुलर डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो डिसीज है वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड तो है, लेकिन इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। जैसे कम्युनिकेबल डिसीज, रेस्पिरेटरी किस में आता है? कम्युनिकेबल डिसीज होता है जो कि आसानी से किसी कैरियर के थ्रू या किसी व्हीकल के थ्रू या फिर किसी एजेंट के थ्रू वन पर्सन से दूसरा पर्सन में इजिली ट्रांसमिट हो जाता है, उसी को हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज मेनली जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से अधिकतर तौर पे वह फैलता है। जैसा कि आज के सिनेरियो की बात करें 2020 जो कोरोना वायरस से कोविड-19 नामक डिसीज भी महामारी फैली हुई है, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड है। आइए हम सबसे पहले कोविड-19 की बात करिए हैं, तो कोविड-19 के बारे में बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि हो रहा है उसका एजेंट क्या है? फैलाने वाला कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 के नाम डिसीज अभी वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं हाई फीवर, टेम्परेचर अधिक राइज होना बॉडी में, खांसी आना, गले में खराश, सर दर्द होना और कमजोरी लगना, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाना, ये सब इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो नाउडेज कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस डिसीज फॉर अस एंड वर्ल्ड वाइड, सो इट इज इन द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसका अभी कोई भी टीका या उपचार नहीं भेजा गया है, इसका सिर्फ एक ही अभी कारगर सिद्ध हुआ है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है और अपना इम्यूनिटी पावर डिफरेंट जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उसे यूज करके अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना। ये तो है कोरोना के बारे में। चलो अब हम पुराने डिसीज के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज है, जो कि हाँ एक बात और, कोरोना जो वायरस है जो कि मैं रेस्पिरेटरी डिसीज है ट्रांस कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट होता है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, उसके सामान को यूज करने से, उसके हाथ मिलाने से, बात करने से, उसके छींकने से, ये सबसे कोरोना वायरस फैलता है ना। तो रेस्पिरेटरी डिसीज के अंतर्गत आप हम पढ़ेंगे चिकन पॉक्स। सभी जानते हैं चिकन पॉक्स को छोटी माता भी कहते हैं। यह अधिकतर छोटे बच्चों में पाया गया है, जो कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें चिकन पॉक्स नामक डिसीज पाया जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं सेम एज द कोविड-19, हाई फीवर होना, इम्यूनिटी पावर कम हो जाना और बॉडी में रेडिश ऐसे छक्के बनना, पूरे बॉडी में रेडिश छक्के बनना, हेडेक होना,
बहुत ही ज्यादा वीकनेस महसूस करना, ये चिकन पॉक्स के साइन है, सिम्टम्स है। तो ये जो चिकन पॉक्स फैलाता है उसका सबसे बड़ा कारण या पहुंचाने वाला एक एजेंट है, जैसे कि हमने एजेंट के बारे में पढ़ा है, या वह एजेंट होता है जो डिसीज को फैलाता है, जिसके कारण डिसीज होता है। तो ये एजेंट है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चिकन पॉक्स है और वायरस का नाम होता है। तो इस जो वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ट्रांसमिशन कंडीशन क्या है, ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है किन किन तरीकों से, किन किन कारणों से यह फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसके बारे में हम ये देखते हैं। ये सबसे पहले होता है एज अंडर 10 इयर्स, मतलब 10 साल के बच्चों को ही ये बिल्ली देखा गया है चिकन पॉक्स के बारे में, लेकिन जरूरी नहीं है। या अगर जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कम है, जबकि जो पहले वैक्सीनेशन नहीं लिया है, तो उसको यह किसी भी एज में हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है। और यह जो वायरस है जो प्लेसेंटा बैरियर होता है उसको क्रॉस कर सकता है, परिफेक्ट कर सकता है फिटस में, ठीक है। इसका जो ट्रांसमिशन कैसे होता है, ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स क्या होता है, हम खांसते हैं या फिर छींकते हैं तो हमारे मुंह से छोटे छोटे ड्रॉप्स निकलते हैं। तो इफेक्टेड जो होस्ट है, जो पेशेंट है, वह अगर वो छींकता है या फिर खांसता है, तो ये जो वायरस है वो ड्रॉपलेट के थ्रू सर्कुलेट होके अनदर पर्सन जो नॉन इफेक्टेड है उसके पास चला जाता है, और वहां पर वह जो है वह डिसीज स्टार्ट कर देता है। तो ड्रॉपलेट और पर्सनल कॉन्टेक्ट से, पर्सनल कॉन्टेक्ट कैसे, जैसे हम हाथ मिलाना हुआ, उसका सामान यूज करना हुआ, उसके साथ खाना खाना, उसके साथ या फिर सोना, तो इस तरीके से अगर आप पर्सनल कॉन्टेक्ट में उसके आ गए तो भी जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है वह चिकन पॉक्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब यह नाक से श्वसन नली के द्वारा, नाक से श्वसन नली में जाते हुए बॉडी के अंदर इनबिट कर सकता है, अंदर ग्रहण हो सकता है, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ चिकन। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन करें, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी पेशेंट का नोटिफिकेशन करेंगे। कैसे नोटिफिकेशन करेंगे कि वह ओरली ऑब्जर्व करेंगे, उसमें नोटिफिकेशन सबसे पहले सुपरफिशियली, सुपरफिशियली ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि उसका जो टेम्परेचर है वो अचानक से बढ़ गया है, वो फटेगी महसूस कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उसको थकावट लग रहा है, और उसके बॉडी में रेड स्पॉट, रेड स्पॉट, रेड रेड स्पॉट जो है पूरे उसके बॉडी में छोटे छोटे दिखाई दे सकते हैं, है ना। और आंखों से पता चल जाएगा कि उसको बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ गया है, तो यह सुपरफिशियली क्या करेंगे, नोटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इंटरनल या फिर क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन यह कर सकते हैं कि उसका हम ब्लड सैंपल, ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड रिपोर्ट आने के बाद यह पता चलेगा कि उसके ब्लड
ब्लड में वेरिसेला जोस्टर वायरस पाया गया है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि उसको चिकन पॉक्स नामक डिसीज जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है वह उसको प्रोड्यूस हो गया है। उसके बाद ऑब्जेक्शन तो कर लिए, नोटिफिकेशन कर लिए, अब उसके बाद उसको कैसे रख रखाव करना है पेशेंट का, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि फैलता है, बहुत ही स्पीडली फैलता है। तो सबसे पहले हम आइसोलेट करेंगे पेशेंट को। आइसोलेट का मतलब यह होता है कि जो भी वो साधारण जिंदगी जी रहा है मनुष्य, जो इफेक्टेड पर्सन है या बिना इफेक्टेड पर्सन है जो साधारण जिंदगी जी रहा है, अगर वह इफेक्टेड हो गया वायरस से तो उसको आइसोलेट कर देंगे, मतलब उसको एक ऐसे कमरे में रखेंगे जिसमें वह अन्य पर्सन के कांटेक्ट में ना हो, उसका सामान को यूज ना कर सके या फिर वो किसी का सामान यूज ना कर सके, है ना। और एक कम टेम्परेचर वाले रूम में उसको रखना है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर और पहले से ही राइज हुआ रहेगा। अगर उसको और टेम्परेचर वाले रूम में रखेंगे तो और बॉडी अनकन्वीनियंट हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा और जो स्थिति है पेशेंट की वह बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। तो आइसोलेट करेंगे 6 दिन के लिए। उसमें यह ध्यान देना है जो नॉन इफेक्टेड पर्सन है वह कि पर्टिकुलर उसका सामान यूज ना करे, उसके रूम से आने के बाद अच्छे से हाथ मुंह धोए, हो सके तो उसके रूम से आने के बाद अच्छे से नहा ले, क्योंकि यह कम्युनिकेबल डिसीज है या फैल सकता है ना। अब हम देखते हैं डिस इन्फेक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड कम्युनिकेबल वायरल नोज एंड थ्रोट, मतलब अगर वह पर्सन स्पुटम या फिर बलगम निकालता है तो उसको अच्छे से डिस्पोज करना है ताकि वह इधर उधर ना फैले, दूसरे अनइफेक्टेड पर्सन को ना फैले, और उसका जो यूज किया हुआ जितने भी सामान है उसको एक पर्टिकुलर अलग से रखें, उसको अलग से धोएं, अलग से उसका थाली यूज करें, अलग से सब कुछ सेपरेट करके रखना है। उसके बाद हम फोर्थ देखते हैं आइसोलेशन हो गया, उसके बाद उसके जो वेस्टेड मटेरियल है उसको अच्छे से हम डिस्पोज कर दिए। उसके बाद उसका जो क्लॉथ है उसको अच्छे से क्लीन करना है डिटर्जेंट में, और उसका जो रूम है जिसमें हम उसको आइसोलेट किए हैं उसको भी अच्छे से क्लीन करना है, क्लीन करना है, प्लस वहां पर डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्शन भी यूज करना है ताकि उसका रूम साफ सुथरा रह सके। उसके बाद जरूरत पड़े पर रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि डॉक्टर होता है, एक एजुकेटेड डॉक्टर जो एमडी मेडिसिन हो सकता है या स्पेशलाइज हो सकता है, उसके पास हम जाके उसको इलाज करवाएंगे, और हो सके तो उसको हम सेवन में उसको ह्यूमनाइजेशन ह्यूमनाइजेशन भी कराना पड़ सकता है। उसके बाद अगर बचपन से ही अगर उसको एंटी वेरिसेला जोस्टर का टीका अगर दिया जाए तो यह डिसीज आगे होके नहीं आ सकता या फिर नहीं उसको प्रोड्यूस हो सकता उसके बॉडी में, क्योंकि वह उसके बॉडी में एंटी बॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है एंटी वेरिसेला जोस्टर वायरस के एंटीजन के अगेंस्ट में। उसके बाद अगर पाठों में देखते हैं कि जितने भी हेल्थ प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है उसको प्रमोट करना है, और जो चिकन पॉक्स ना हो इसके लिए हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया जा सकता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है न्यूज़पेपर में, टीवी में, है ना, पंपलेट छपवाया जा सकता है, पोस्टर प्रेजेंटेशन
और गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक की भी व्यवस्था किया जा सकता है ना, इस तरीके से। और सभी गांव में जा जाके विलेज में इसको प्रमोट करना है। एंड स्टूडेंट्स, चिकन पॉक्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।